हेलो गाइस, मैं हूं महेश एंड वेलकम टू ऑल इन मी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वोटर आईडी के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इन फ्यूचर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी, ताकि आप नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो हम सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वोटर आईडी के लिए हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो हमें सीधे गूगल क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद हमें वोटर आईडी करके सर्च करना है। नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल खुल जाएगा, तो जो भी फर्स्ट लिंक रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड क्रिएट करके एक न्यू यूज़र करके आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू यूज़र पे आना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। और जो भी ओटीपी आएगा वो हमें यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और एंटर पासवर्ड करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें सिंबल और नंबरिकल वैल्यू होना चाहिए। ऐसे हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर ऊपर लिख के आएगा। उसके बाद हमें फिर से लॉगिन के ऊपर आना है और यहाँ पे फिर से हमारा मोबाइल नंबर एंटर करके पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये नेवर करना है, नॉट नाउ करना है और एक लॉगिन का ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर जाके हमें क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की मदद से इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा वो हमें यहाँ पे एंटर करना है एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जो यो सक्सेसफुली रजिस्टर, यहाँ पे फिर से हमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है। अपने घर बैठे आप अपना न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं वोटर आईडी के लिए। सिंपली हमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कैप्चा फिल करके क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। वेलकम टू वोटर पोर्टल, तो हमें वेलकम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करके अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, न्यू वोटर, करेक्शन इन वोटर, डिलीट ऑफ वोटर आईडी और आधार लिंकेज। तो यहाँ पे हमें न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड पे एक बटन रहेगा, लेट स्टार्ट, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछा है यू आर अप्लाइंग फॉर द वोटर कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो येस के ऊपर क्लिक करके 7 कंटिन्यू करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस करके 7 कंटिन्यू। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका बर्थ कहाँ हुआ था वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आधार कार्ड दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट टू अपलोड करके वो आधार कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
पे फिर से हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और असेंबली कंस्टिट्यूसी वो सिलेक्ट करना है। मैं माहिम में आता हूँ तो मैं माहिम सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद फिर से नॉर्मल जो डिटेल्स भरते हैं वो आपको डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद यस आई हैव एन आधार नंबर के ऊपर क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी रहेंगे आपको तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सीधे कंटिन्यू करना है, अपना एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, पासपोर्ट साइज़ उसे आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो और कंटिन्यू करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर द फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, आप कर आपके फैमिली में किसका भी वोटर आईडी रहेगा उसकी डिटेल्स हमें अपने हमें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि उसका वोटर आईडी नंबर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसका नाम, उसका सरनेम, आप अपने वाइफ का भी दे सकते हो, अपने हस्बैंड का भी दे सकते हो, ब्रदर सिस्टर मदर किसका भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप सिलेक्ट करना है, अपने जो डिटेल्स भरी है फैमिली मेंबर्स की वो कौन है वो सिलेक्ट करके हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर करंट एड्रेस, तो अपना करंट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, अपना विलेज सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करना है और एरिया और पिन कोड एंटर करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाटा फ्लक्चुएट कर देगा। अगर आप इसे मैन्युअली भी करना चाहते हो तो मैन्युअली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो सिलेक्ट योर आधार एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हो, तो यहाँ पे भी मैं आधार कार्ड ही दूंगा। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट टू अपलोड करके हमें वो आधार कार्ड फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे बताया कि आपका जो एड्रेस है वहाँ पे आप कितने साल कितने महीने से रह रहे हो वहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से साल से आप उस एड्रेस पे रह रहे हो। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस में हम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स जो जो अपनी भरी थी वो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर देगी, तो एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना दो तीन बार, और जो जो अपने भरा है वो प्रॉपरली फिल हुआ है कि नहीं वो देख लेना। हमने जो फोटो अपलोड किया था वो भी प्रॉपरली यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप इसे बहुत ही इजीली एडिट कर सकते हो। पीछे जाके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक नीचे साइड एक एडिट का ऑप्शन रहेगा, एडिट फॉर्म, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हो। फिर भी एक बार प्रॉपरली वेरीफाई कर लेना अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपनी सारी डिटेल जो आपने यहाँ पे अपलोड की है, और प्रूफ में आप क्या क्या दे रहे हो वो भी यहाँ पे शो करेगा। ये सब वेरीफाई हो जाने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन के नीचे एक सबमिट का ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया और एक पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो उसके बाद अपना एक एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी जनरेट होके आएगा, उसकी मदद से आप इसे ट्रैक कर सकते हो बहुत ही इजीली। उसके नीचे ही यहाँ पे शो हो जाएगा योर एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी इज़ सो एंड सो, यू मे यूज़
रेफरेंस आईडी टू ट्रैक योर स्टेटस टू द एप्लीकेशन। तो इसे हम बहुत ही इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।